दोस्तों आज की कहानी है ननन रानी। आप खुश तो तब होना जब आपके सतरंगी ख्वाब ससुराल वाले पूरे करे। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बधाई हो भाभी, लड़के वालों को हमारी रिंकी पसंद आ गई है। आज ही संगीता दीदी का फोन आया था, कह रही थी बात आगे बढ़ाए, हमें लड़की पसंद है। की सांस में कावेरी अपनी भाभी सुमित्रा से बोल गई। सहरे की समक्ष साफ बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर। कावेरी कितनी खुश है, आखिर ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी पूछ जो बढ़ गई थी। कावेरी ने अपनी भतीजी रिंकी के लिए अपने रिश्ते की ननद संगीता के बेटे पंकज का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही कावेरी पंकज और उसके परिवार को लेकर रिंकी को दिखाने लगी थी। रिंकी का अभी एमबीए का आखिरी साल था, इसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलने वाली थी जिसके लिए वह बहुत उत्साहित थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए थे तो भी रिंकी के नौकरी करने का जिक्र किया गया था, जिस पर संगीता जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करते। नौकरी करनी है तो शादी के बाद कर लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं होने वाली। सास के ऐसे विचार सुनकर रिंकी और उसके माता पिता सुमित्रा जी और मनीष जी बहुत खुश थे। सिर्फ रिंकी की भाभी कंसन सुख थी। लड़के वालों की हाँ होने पर रिंकी और पंकज की सगाई एक छोटी सी रस्म रखी गई जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। पंकज के घर की तरफ से रिंकी के लिए बहुत सारे तोहफे, सोने के दो सेट, हीरे की अंगूठी और महंगी साड़ी आई थी, जिसे देख देख कर रिंकी और उसकी माँ सुमित्रा जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन कंसन को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो हमेशा की तरह बस अपना काम करे जा रही थी जो सबने बिखेर कर उसके भरोसे छोड़ दिया था। सुमित्रा जी अपनी बहू का शांत चेहरा देखकर खींची हुई थी, पता नहीं कैसे बहू पल्ले पड़ी है, परिवार की खुशी में खुश होना भी नहीं जानती। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी की, किस्मत देखकर नना ने तेरी कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी हमारी लाड़ो, फिर घूमती रहना अपना लड़का हुआ मुंह लेकर। माँ की बात सुनकर रिंकी भी बोल उठी, हाँ भाभी मैं भी देख रही हूँ, जब से मेरी सगाई हुई है आप खुश नहीं है, क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा। सास और ननन की बातें सुनकर कंसन मुस्कुराते हुए बोली, दीदी जन सबने देखने पर नहीं सबने पूरे होने पर मनाया जाता है, मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सबने आपके ससुराल वाले पूरे करने देंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मेरी भी कितनी इच्छा थी कि मैं भी नौकरी करूंगी, पढ़ाई का सिर्फ एक साल बाद, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। आप लोगों को मेरे नौकरी करने की बात पर भी कोई परेशानी नहीं थी उस समय, तो जो मैंने कहा उस सब बातों पर आप लोगों ने सहमति की मोहर लगा दी, लेकिन क्या दिखाए गए सपनों में से मैं अपना एक सपना भी पूरा कर पाई। आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर सासू माँ ने तो जैसे काम से संन्यास ले लिया, दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती ताकि कहीं मैं किताब लेकर ना बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे भी दो सोने के सेट सजाए गए थे, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मैंने उन गहनों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वह तो सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था
कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, लेकिन ये तो आप भी देखती होगी कि अब एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही आती है। यदि 100 रुपये भी कम हो जाए तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज कंसन एक ही सांस में सब कुछ बोल गई जो पिछले कई दिनों से उसके मन में दबा था। सुमित्रा जी और रिंकी दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, क्योंकि उनकी बहू ने आज आईना उनके सामने रख दिया था, जिसमें उनकी असली छवि साफ नजर आ रही थी। कंचन फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई बैर नहीं, मैं तो साथ हूँ। जो मेरे साथ हुआ वह आपके साथ ना हो, इसीलिए ससुराल वालों के झांसे में मत आना। अपने हक के लिए लड़ना हो तो जरूर लड़ना, और हाँ खुश तब होना जब आपको दिखाए गए सतरंगी ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा होने दे। बोलते बोलते कंसन का गला भर आया। रिंकी ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कर रही है भाभी, आपकी ये नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी, और आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ देखते और समझते हुए भी कभी मैंने आपका साथ नहीं दिया और ना आपके लिए आवाज उठाई, लेकिन आज मैं माँ से एक बात कहना चाहूंगी। माँ, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश है, कभी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचा? सच में माँ, कहने को तो सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बना कर रखेंगे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ ढोंगे। बहुओं को बहू बनने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। सुमित्रा जी की नजरें आज नीसी हो गई थी। बहू के साथ साथ आज वह बेटी के सामने भी शर्मिंदा थी, लेकिन कंचन का मन आज बहुत हल्का हो गया था। रिंकी ने भी पक्का मन बना लिया था कि वो अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर कभी आश्रित नहीं होगी।